गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत, और लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन, इसमें पढ़ा हमने तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, और ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। देखो, जो ये जल विद्युत ऊर्जा या जल विद्युत संयंत्र जो होता है, ये हमने इसमें पढ़ लिया क्योंकि हम इसको लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब हम जल विद्युत ऊर्जा को बार बार प्रयोग कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मतलब क्या, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग हम लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, मतलब ऊर्जा के वो स्रोत जो नए हैं, इनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी बोला जाता है। ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनको विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जाता है। किसके विकल्प के तौर पर? ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, इनके विकल्प के तौर पर इनको प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे हम विकल्प ढूंढते हैं, किसका विकल्प ढूंढते हैं, ऊर्जा के नए नए स्रोतों का। ये पेपर में प्रश्न आ चुका है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हम ऊर्जा के नए नए विकल्पों की खोज करते हैं। तो क्या कारण है भाई? एक तो जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, या फिर ये कह लो कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, उनकी मात्रा सीमित होती है, मतलब वो एक दिन अगर हम उनका अधिक प्रयोग करते रहेंगे तो वो समय के साथ नष्ट हो जाएंगे, सीमित करेंगे, मतलब वो सीमित है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं ऐसे हैं जिनके प्रयोग से बहुत अधिक वायु का प्रदूषण होता है। वायु का प्रदूषण होता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं, तो यही कारण है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके द्वारा हम, तो भाई ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम ऊर्जा के नए नए विकल्प की खोज करते रहते हैं। तो कौन कौन से हो गए हम लिख सकते हैं, जैसे क्या हो गया, एक भाई सीमित मात्रा, किसकी सीमित मात्रा, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। दूसरा प्रदूषण, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या जीवाश्म ईंधन है, जैसे हम उनका प्रयोग करते हैं तो वायु का अत्यधिक प्रदूषण होता है। तीसरा, अगर हमारे पास ऊर्जा के नए नए साधन होंगे तो इनके ऊपर दबाव कम पड़ेगा और ये लंबे समय तक चल सकते हैं। तो गैर परंपरागत या समझ लो कि जीवाश्म ईंधन पर दबाव कम करने के लिए, ठीक है। तो अगर पेपर में प्रश्न आ जाता है कि हमें ऊर्जा के नए विकल्प खोजने की क्यों आवश्यकता है, तो उसमें आप ये तीन आंसर लिख दोगे, तीन कारण लिख दोगे। तो ऊपर वाला तो हम पढ़ चुके हैं, आप इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है भाई। मतलब परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है वो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय मतलब जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिनकी मात्रा असीमित है, सीमित मात्रा नहीं है। हम इसमें पढ़ेंगे पवन ऊर्जा, इसमें पढ़ेंगे सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा। अब समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा भी अलग अलग तरीके से हम उपयोग करते हैं, कौन कौन सी, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, मतलब समुद्र के पानी में जब भाई ज्वार भाटा आता है तो पानी ऊपर चढ़ता है, नीचे जाता है, तो उसकी ऊर्जा, उसका प्रयोग हम ऊर्जा प्राप्ति में कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तरंग ऊर्जा और सागरीय तापीय ऊर्जा, ये कुछ ऊर्जा है जो सिर्फ समुद्र के पानी से प्राप्त की जाती है, इन तीनों को मिलाकर हमने बोल दिया भाई समुद्री ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ठीक है। देखो, नाभिकीय ऊर्जा यह है, क्या है ये, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सॉरी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, मैंने लिख दिया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में, क्योंकि भाई इसका प्रयोग लंबे समय से नहीं कर रहे हैं हम। हालांकि यह है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब हम ऐसा नहीं है कि इसका लगातार प्रयोग करते ही जाएं और ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों से। जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से हैं, जैसे भाई यूरेनियम है या प्लूटोनियम, थोरियम वगैरह है, तो उनकी मात्रा अर्थ में निश्चित है, पृथ्वी में उनकी मात्रा भी सीमित है, अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो फिर हम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। लेकिन मैंने इसको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्यों रखा है, क्योंकि नाभिकीय
ऊर्जा का प्रयोग हम लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, प्राचीन समय से नहीं कर रहे हैं, इसका उपयोग करना हमने रिसेंटली शुरू किया है, तो इसलिए इसको रख दिया हमने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। तो शुरू करते हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं क्या। सबसे पहले हम लेते हैं अभी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा देखो, जो बहती हुई वायु होती है, बहती वायु को पवन कहते हैं। कोई पूछ ले आपसे कि पवन में और वायु में अंतर क्या है, या हवा में और वायु, तो मिक्सचर है जो आसपास आपको दिखाई देती है, किसका मिक्सचर है, बहुत सारी गैसों का। तो हवा जो स्टैग्नेंट है, जो ठहरी रहती है, अगर वो चल पड़े तो उसको हम कहेंगे पवन। और पवन के चलने का कारण क्या होता है, पवन के चलने का कारण होता है सूर्य। अब एक पूछोगे भी सूर्य क्यों कारण है, क्योंकि अनइवन हीटिंग का मतलब है, तो अनइवन हीटिंग किसकी, अर्थ की। देखो कहीं पे सूर्य का तापमान अधिक होता है धरती पे, कहीं पे सूर्य का तापमान कम होता है, तो इससे इस टेम्परेचर के इम्बैलेंस से पवने चलती है, क्योंकि जहां सूर्य का तापमान अधिक होता है वहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इसकी जगह लेने के लिए ठंडी वायु चलती है, तो इस प्रकार हवा बहना शुरू कर देती है, जिसको हम पवन कहते हैं। और हमें पता है जब भी कोई वस्तु चलती है तो उसकी गति के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, उसके अंदर होती है गतिज ऊर्जा। इसका मतलब क्या है, पवन के अंदर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। अब इसी ऊर्जा को हम रूपांतरित करेंगे किस में, उस रूप में जिसका प्रयोग हम अपने लाभ के लिए कर सके या अपने काम के लिए कर सके। तो इस ऊर्जा का, इस गतिज ऊर्जा का दोहन हम कर सकते हैं। दोहन का मतलब हम इसका उपभोग कर सकते हैं, किसके द्वारा, पवन चक्की द्वारा, पवन चक्की। ठीक है, पवन चक्की क्या होती है, देखो ये एक पवन चक्की का मैंने एक चित्र बनाया है। पवन चक्की क्या होती है, पवन चक्की एक ऐसा यंत्र है जिसमें टेबल फैन, जैसे टेबल पे फैन लगा होता है, उसकी तरह इसमें बड़े बड़े से ब्लेड लगे होते हैं, और ये ब्लेड एक धुरी पे बंधे होते हैं, एक धुरी के साथ इनको जोड़ दिया जाता है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये घूम सकते हैं। इसकी इस धुरी के साथ एक रोड जुड़ी होती है, देखो ये रोड जुड़ी हुई है, जब वायु चलती है तो वो इसके ब्लेड से टकराती है। अब चलती हुई वायु में गतिज ऊर्जा होती है, तो उस गतिज ऊर्जा के कारण ये ब्लेड घूमना शुरू कर देंगे। अगर ये घूमेंगे तो साथ में इसके साथ लगी हुई जो ये रोड है ये भी घूमना शुरू कर देगी, और एक बार ये रोड घूम जाएगी तो हम इसको आगे किसी भी चीज के साथ जोड़ देंगे, ये इसको ऐसे जोड़ देंगे, तो ये भी ये शाफ्ट जो है ये घूमेगी, तो किसी भी चीज के साथ जोड़ने से वो चीज मूव करना शुरू कर देगी। जैसे हम इस शाफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं किसके लिए, आटा पीसने की चक्की लगाने के लिए। मतलब पुराने समय में पवन चक्की का प्रयोग पुराने समय से हम कर तो रहे हैं, लेकिन पुराने समय से हम पवन ऊर्जा का प्रयोग विद्युत प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। पुराने समय में जो लोग थे वो पवन ऊर्जा का प्रयोग सिर्फ आटा पीसने के लिए या कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए करते थे। कैसे करते थे, देखो जो चक्की होती है इस शाफ्ट को हम चक्की के दूरी से जोड़ देंगे, अब जब ये घूमेगी तो ये चक्की भी घूमना शुरू कर देगी और हम इसका प्रयोग आटा पीसने में कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा जो रहट होता है, मतलब पुराने समय में एक ऐसा पानी निकालने का एक बेल्ट होती थी जिसके ऊपर कुछ बर्तन से जुड़े होते थे बेल्ट के ऊपर, तो वो बेल्ट कुएं के अंदर से होती हुई ऐसे घूमती थी, तो उसमें जो बर्तन लगे होते थे बड़े बड़े से ड्रम से होते थे, वो भर भर के पानी के उस बेल्ट के साथ आते थे, लेकिन उस बेल्ट को घुमाना पड़ता था, तो उस बेल्ट को घुमाने के अलग अलग तरीके थे, उनको बैलों से घुमाया जाता था, लेकिन उसको पवन चक्की से भी घुमाया जाता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पवन चक्की का प्रयोग पानी को निकालने में किया जाता था, पानी को निकालने के लिए किया जाता था। ठीक है भाई, तो ये हो गया उपयोग। इसके अलावा अब जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो हमने पवन चक्की का प्रयोग करना शुरू कर दिया, किसके लिए, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मतलब विद्युत को पैदा करने के लिए, विद्युत धारा पैदा करने के लिए। तो विद्युत धारा पैदा करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, मतलब पवन चक्की से जो सिस्टम बनाया किसके लिए, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसको बोला गया टर्बाइन। क्या बोला गया, टर्बाइन। ठीक है, जब इस टर्बाइन को देख लो, ये ब्लेड और ये रोड, ये समझ लो ये टर्बाइन है, मतलब इसमें एक ब्लेड और एक रोड, ये टर्बाइन है। आगे
अगर इस टरबाइन को हम जनित्र से जोड़ दें, मतलब यहाँ पे अब क्या जुड़ा होगा, यहाँ पे कोई जनित्र जुड़ा होगा। जनित्र मतलब भाई जनरेटर जो विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस ये विद्युत उत्पन्न करेगा, तो ये जो सिस्टम बनेगा इसको बोला जाता है पवन ऊर्जा जनित्र, ठीक है, पवन ऊर्जा जनित्र। अब जब ये जनित्र विद्युत उत्पन्न करेगा, लेकिन यह विद्युत इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम इसका प्रयोग अलग अलग कामों में कर सके, तो क्या करते हैं हम अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसी ऐसी बहुत सारी टर्बाइनों को एक फील्ड में लगा देंगे, ठीक है, एक फील्ड में लगा देंगे और उन सब से उत्पन्न ऊर्जा को सीरीज में, मतलब इन सब को सीरीज में जोड़ दिया जाएगा, जो इनसे विद्युत धारा आएगी उन सब को एक सीरीज में जोड़ दिया जाएगा, जिससे विद्युत धारा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी पवन चक्कियों को एक बड़े से फार्म में लगा दिया जाएगा, जिसको बोला जाता है पवन चक्की फार्म, ठीक है भाई, क्या बोला जाएगा, पवन चक्की फार्म, ठीक है। क्यों बनाया ये पवन चक्की फार्म, क्योंकि एक पवन चक्की से या एक टरबाइन से हम अधिक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए हमने बहुत सारी पवन चक्कियों को एक बड़े से एरिया में, बड़े से क्षेत्र में लगाना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है पवन चक्की फार्म, जिससे अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सके। इंडिया की अगर हम देखें, मतलब अगर इंडिया अपने क्षेत्रों में बहने वाली वायु का पूरा प्रयोग करे, तो लगभग 45,000 मेगावाट विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट कर कितना रहा है, अभी लगभग 1085 मेगावाट इतनी ऊर्जा ही पैदा कर पा रहा है, किससे, पवन से, जबकि मैक्सिमम कितनी कर सकता है, जो इसके क्षेत्र है जहां पे पवन चक्की लगाई जा सकती है वहां से 45,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है, लेकिन प्रेजेंट में कितनी कर रहा है, 1085 मेगावाट से अधिक हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ा पवन चक्की फार्म भी तो बना होगा कहीं ना कहीं इंडिया में, तो वो कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ अभी तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास तमिलनाडु में बहुत बड़ा पवन चक्की फार्म बना हुआ है, जिसकी क्षमता है 380 मेगावाट, ये सबसे बड़ा है, इससे बड़े कोई नहीं है, इससे जितने भी बाकी के हैं वो सब इससे छोटे ही हैं। और पवन चक्की ऊर्जा में इंडिया का रैंक है 5th rank, ठीक है। सबसे पहला रैंक है, फर्स्ट रैंक किसका है, फर्स्ट रैंक है भाई जर्मनी का, ठीक है। एक और खास बात है, जो डेनमार्क है, डेनमार्क जो देश है, डेनमार्क, इसको पवनों का देश बोला जाता है, पवनों का देश क्यों बोला जाता है पवनों का देश, क्योंकि डेनमार्क में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उस ऊर्जा का 25% उस ऊर्जा का निकाला जाता है, किससे, पवन ऊर्जा से, इसलिए डेनमार्क को पवनों का देश बोला जाता है, ठीक है भाई। ये तो हो गई कि किस प्रकार हम पवन ऊर्जा का दोहन करते हैं। अब बात आती है कि इस पवन ऊर्जा के क्या क्या लाभ है, पवन ऊर्जा के लाभ क्या है, देखो, एक तो ये प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है, मतलब जो ये ऊर्जा प्रदान करता है इससे कोई प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। दूसरा भाई, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं उन पे दबाव कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाभ है इसके, पवन ऊर्जा के। इसके अलावा देखो, ये जितने इसके लाभ थे ये वाले, ये हम इसके लाभ भी लिख सकते हैं, इसके पवन ऊर्जा के, बात समझ में आएगी, जो अभी मैंने लिखे थे, ये हो गया। अब हम देखें अगर इसकी हानियां क्या है, मतलब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी तो हैं, कुछ कमियां भी हैं, तो कमियां पेपर में आती है कि पवन ऊर्जा की क्या कमियां हैं। इसकी एक मुख्य कमी क्या है कि हम पवन चक्कियों को ऐसा नहीं है कि कहीं भी लगा देंगे, नहीं, पूरे देश में ऐसा नहीं कहीं भी हमने लगा दिया, पवन चक्कियां एक विशेष क्षेत्र में ही लगाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में, ऐसा क्षेत्र जहां पर पूरे साल
पवन चलती है, मतलब जो हवा चलती रहे पूरे साल, ऐसे क्षेत्र में ही हम पवन चक्की को लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा भाई, जो पवन चक्कियां होती है उनकी देख रेख में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। इनको इंस्टॉल करने में पैसा भी खर्च होता है, इतने बड़े बड़े से ये सिस्टम बनाए जाते हैं, और इनके ब्लेड लगातार इन पे हवा टकराएगी तो इनकी देख रेख में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तीसरा कारण क्या है कि जो पवन चक्की फार्म होते हैं उसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए किसके लिए, पवन चक्की फार्म के लिए, इसलिए ये बहुत बड़ा क्षेत्र को घेर लेते हैं, ठीक है। एक बात खास याद रखना कि पवन चक्की को उसी जगह पे लगाया जाता है जहां पर पवन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो। 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम अगर पवन की गति है तो पवन चक्की काम नहीं करेगी, मतलब काम करेगी तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएगी जो हमारे काम की हो। तो इसके लिए भी पेपर में आता है कि पवन चक्की के लिए न्यूनतम मतलब वायु की गति कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, ठीक है भाई। तो ये होगी क्या पवन ऊर्जा। अब हम पढ़ते हैं क्या सौर ऊर्जा, क्या पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। तो हमें पता है, क्या पता है भाई, कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है भाई। तो सूर्य से जो प्राप्त होगी ऊर्जा उसको कहेंगे सौर ऊर्जा। अब इस सौर ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, तो सूर्य से प्राप्त इस सौर ऊर्जा का हम उपभोग किस प्रकार कर सकते हैं। देखो जो इंडिया है, इंडिया की स्थिति वर्ल्ड में ऐसी स्थिति है इंडिया की कि यहाँ पर साल के ज्यादातर महीनों में सूर्य की अच्छी धूप पड़ती है। अगर हम एक साल की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में लगभग भाई 5000 × 10⁻¹⁸ किलोवाट आवर पर ईयर इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। इंडिया के ऊपर इतनी ऊर्जा पड़ती है 5000 × 10⁻¹⁸ किलोवाट आवर। अगर हम प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन में ये समझ लो कि 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर एरिया में पर डे मतलब एक हर रोज एक मीटर स्क्वायर एरिया में, एक वर्ग मीटर एरिया में 4 से 7 किलोवाट आवर ऊर्जा हमारे देश में पड़ती है। अगर हम एक वर्ग मीटर एरिया देखें ना, और सूर्य से उसके ऊपर कितनी ऊर्जा पड़ रही है उस वर्ग मीटर एरिया पे, कितनी है वो 4 से 7 किलोवाट आवर, इतना रेंज क्यों होगी, हो सकता धूप कम हो तो कम प्राप्त होगी, ज्यादा है तो ज्यादा प्राप्त होगी, ठीक है। अब बात आती है एक सौर स्थिरांक होता है, सौर स्थिरांक क्या होता है, सौर स्थिरांक। तो सौर स्थिरांक क्या होता है, सौर स्थिरांक का मतलब होता भाई कि स्पेस में एक वर्ग मीटर क्षेत्र, मतलब एक वर्ग मीटर क्षेत्र एक सेकंड में जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसको बोला जाता है क्या, उसको सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक बोला जाता है या सोलर कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। मतलब क्या भाई, अगर हम पृथ्वी से ऊपर चले जाएं पृथ्वी के स्पेस में, मतलब एवरेज डिस्टेंस, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस ले, और वहां पर ये देखें कि एक वर्ग मीटर क्षेत्र में एक सेकंड में कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको बोला जाता है सौर स्थिरांक। और इसकी वैल्यू लगभग होती है 1.4 किलो जूल पर सेकंड, याद रखना 1.4 किलो जूल पर सेकंड इसको बोला जाएगा सौर स्थिरांक, ठीक है। अब बात करते हैं किसको, सोलर यंत्र, मतलब ऐसी युक्तियां या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हमारे यूजफुल
कामों में उस ऊर्जा को बदल देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं, तो हम उनको बोलते हैं भाई सौर यंत्र या सोलर इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं हम। सौर यंत्र कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक भाई सोलर कुकर, दूसरा है भाई सोलर जल हीटर, और एक है भाई सोलर सेल। ठीक है, ये ऐसी युक्तियां हैं जो सौर ऊर्जा का उपभोग करती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करके उस ऊर्जा को उस रूप में बदल देती हैं जिस रूप में हमें उसकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या सोलर कुकर क्या होता है। देखो सोलर कुकर क्या होता है, ये बनाया मैंने सोलर कुकर किसी लकड़ी का या इंसुलेटेड किसी धातु का एक बॉक्स होता है। ये बॉक्स है, या तो ये लकड़ी का बना होगा या कोई इंसुलेटेड धातु होगी उससे बना होगा, और इसको अंदर से बिल्कुल ब्लैक कर देंगे, काला कर देंगे। क्यों? ताकि ये सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अधिक से अधिक अवशोषित कर सके। इसके ऊपर एक कांच की सीट लगी होती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कांच की सीट जो इसको ढकती है ऊपर। ये जो मैं पार्ट इसके बता रहा हूँ इनको ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि वो प्रश्न पूछता है फिर कि कांच की सीट का क्या कार्य है। यहाँ पे एक दर्पण लगा होता है, ये दर्पण जो होता है, ये दर्पण समतल दर्पण भी हो सकता है, समतल दर्पण, और यह अवतल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण। अलग अलग कामों में अलग अलग दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर हमें यहाँ पर ऊष्मा कम चाहिए इसके अंदर, तो हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे ऊष्मा अगर हमने बढ़ानी है तो हम प्रयोग करते हैं किसका, अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो होता है ये समझ लो केंद्रित दर्पण, मतलब वही अभिसारित जो दर्पण होता है। तो अभिसारित दर्पण होने से क्या करेगा, वो सारी की सारी प्रकाशीय किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित कर देगा, तो एक बिंदु पे तापमान बढ़ जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग तो अधिक तापमान करने के लिए हम करते हैं, नहीं तो समतल दर्पण का प्रयोग भी करते हैं। तो ये जो है इसके ऊपर ये बोर्ड सा जो लगा है, इसके ऊपर क्या होता है, एक दर्पण लगा होता है। दर्पण समतल भी हो सकता है और वो दर्पण अवतल दर्पण भी हो सकता है। इस दर्पण का प्रयोग क्या है, ये दर्पण प्रावर्तन के लिए है, ताकि सूर्य की किरणें आए ऐसे इसे टकराए और सीधे यहां गिरे इस प्रकार से। ठीक है भाई, बात समझ आएगी। अब जो इसके ऊपर ग्लास की शीट लगी होती है, कांच का जो इसके ऊपर एक कांच लगा होता है, वो भी ऐसे उठ जाता है और आसानी से इसके ऊपर ढका भी जाता है। तो जब प्रकाश की ये किरणें यहां टकरा कर इस बॉक्स के अंदर पहुंचती हैं, तो वो जो सीट है उसके अंदर से अंदर तो चली जाएंगी, उसको क्रॉस करके अंदर तो चली जाएंगी, लेकिन वो अंदर से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो जो प्रकाश की किरणें हैं, परावर्तित किरणें, उनको अंदर ही रोकने के लिए हम यहाँ पे उस कांच की सीट का प्रयोग करते हैं, ये उसका कार्य है। अब अंदर से इसको ब्लैक कर दिया गया है ताकि अंदर जाने वाली सारी प्रकाश की किरणें वो अवशोषित कर ली जाए। जो इसके बर्तन होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं, वो भी ब्लैक रंग के होते हैं, काले रंग के बाहर से। ठीक है, ये दर्पण है ताकि प्रकाश की किरणों को परावर्तित किया जा सके। अब जब खाने को बनाना है वो खाने को हम इसके बर्तन में डालकर रख देंगे, किस में, धूप में रख देंगे। अब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा तो टकरा कर यहाँ आएगा इस बॉक्स में, और बॉक्स का तापमान बढ़ जाएगा कितना, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस, ये बात याद रखना, इसका तापमान हो जाता है और खाना इसमें पक जाता है। लेकिन इसमें खाना वही बना सकते हैं हम जिसको स्लो हीटिंग चाहिए, मतलब जिसको धीरे धीरे गर्म करके बनाया जाता है, जैसे दाल वगैरह हम या राइस वगैरह इसमें हम बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें चीज़ों को फ्राई नहीं कर सकते भाई। ठीक है ना, इसमें हम रोटी पका सकते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग हीट को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम इसमें इतना तापमान तो प्राप्त कर सकते हैं कि स्लो हीटिंग वाले खाने को इसमें हम बना सके। तो ये होता भी क्या, सोलर कुकर। अब सोलर कुकर के लाभ क्या है, क्या क्या लाभ है सोलर कुकर के, लाभ क्या होगा भाई, एक तो ये है
ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है, तो सौर ऊर्जा क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और असीमित है, हम उसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो खाना बनेगा तो इसमें जो ऊर्जा उपभोग होती है वो वायु प्रदूषण रहित होती है, कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है। तो इसके लाभ क्या होंगे? उसके लाभ वही है जो मैं पहले उसमें बता चुका हूँ कि पवन ऊर्जा में भी जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उन पर दबाव कम हो जाएगा इसका प्रयोग करने से, दूसरा प्रदूषण कम हो जाएगा, तीसरा यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है या असीमित ऊर्जा स्रोत है जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, तो ये इसके लाभ है भाई। इसका एक लाभ और है कि इसमें हम चार अलग अलग प्रकार के खाने को एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि इसमें चार बर्तन होते हैं ना, तो चार अलग अलग प्रकार की चीजें इसमें रख सकते हैं। और एक और लाभ है कि इसमें जो खाना पकता है उससे भोजन के जो आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं, आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं, वो नष्ट नहीं होते, ठीक है, ये इसके लाभ है। हानियां क्या है इसकी? हानियां ये है कि यह रात को काम नहीं करता, दूसरा अगर मौसम खराब है, मतलब अगर बादल छाए हुए हैं उस समय भी यह काम नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा क्या है? इससे अधिक उच्च तापमान प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब अगर चीजों को फ्राई करना है या रोटी को पकाना है तो उसमें यह काम नहीं आता। ये क्या है? ये इसकी कमियां है, लाभ और हानियां ये पेपर में आती हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया भाई क्या? सोलर कुकर, बॉक्स टाइप सोलर कुकर है ये, बॉक्स टाइप। अब सोलर जल हीटर की बात करें, सोलर जल हीटर, अब मान लो हम इसमें ये बर्तन को हटा के इसमें हमने कोई पाइप को भाई घुमा दिया, ब्लैक सी पाइप है, और इसको ऐसे इस पाइप को ऐसे इसमें घुमा दिया इस प्रकार से, एक साइड से ये जुड़ी हुई है किससे? ठंडे जल से, यहाँ ठंडा जल है और दूसरी साइड में यहाँ नीचे सप्लाई है पानी की। अब जब ये जो कोटी, ये जो ट्यूब है, ये नली है जिसमें से पानी गुजर रहा है, ये कोई मेटल की नली है, जैसे कोई तांबे की नली होगी, इसको ऊपर से हम ब्लैक कर देंगे, काला कर देंगे। अब जब सूर्य की धूप इस पे पड़ती है तो ये जो अंदर का तापमान है बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? 100 से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो इस पाइप में जो पानी आएगा वो भी गर्म हो जाएगा, और फिर उस गर्म पानी का प्रयोग हम अपने दैनिक प्रयोग में कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है, मतलब सोलर जल हीटर जो है वो इसी प्रकार काम करता है। आपने देखा भी होगा कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे ऊपर ऐसे ऐसे बॉक्स से लगे होते हैं, ऐसे गोल गोल से मेटल के दिखेंगे, स्टील से के दिखाई देंगे, तो वो क्या है? वो सोलर जल हीटर होते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें ऐसे ही पाइप लगे होते हैं भाई, इस प्रकार से घुमावदार, और ऐसा सिस्टम बनाया जाता है उसमें कि जब सूर्य की धूप इस पे अधिक से अधिक पड़े तो ये जो पाइप है ये गर्म हो जाए, और पाइप के अंदर जो पानी बहता है वो भी गर्म हो जाए। उसके लाभ हानियां वही हैं जो लाभ हानियां किसकी है? सोलर कुकर की है, ठीक। ये होगा भाई सोलर कुकर और सोलर जल हीटर। हम अब पढ़ेंगे सोलर सेल, ठीक है। तो सोलर कुकर और सोलर जल हीटर हमने पढ़ लिया, देखो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, सोलर जो सेल है इसकी ये भी काफी लंबा टॉपिक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज के लिए हमने पढ़ लिया भी क्या, एक तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में क्या क्या, सोलर कुकर और सोलर जल हीटर। हम जो इसका तीसरा पार्ट है, मतलब सोलर सेल कैसे काम करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।